दोस्त इतना भी टाइम वेस्ट मत कर कि एक दिन यह टाइम तुझे बर्बाद कर दे। दोस्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ समय है। दोस्त हम समय को खरीद नहीं सकते और हम समय को किसी से मांग नहीं सकते। वी कॉन्ट बाय द टाइम एंड वी कॉन्ट टेक द टाइम फ्रॉम अनदर पर्सन एंड वी कॉन्ट स्टॉप द टाइम। और हम समय को रोक नहीं सकते। तुम हर चीज़ को सेव कर सकते हो लेकिन टाइम को तुम सेव नहीं कर सकते। दोस्त जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में कुछ बातें ऐसी आती हैं कि अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी बहुत लाइफ बाकी है, अभी बहुत एज बाकी है, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। दोस्त अगर ये सही वक्त और सही समय पर ना लगाया, सही जगह पर ना लगाया तो ये टाइम तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। दोस्तों ऐसे ही एक इंसान की हम बात करें कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया और अपना सही वक्त सही जगह पर सही वक्त पर कैसे लगा दिया। आई वांट टू टेल यू अबाउट क्रिस गेल। घर में गरीबी होने के कारण क्रिस गेल ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, बट क्रिस गेल ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मेहनत की। दोस्तों क्रिस गेल ने अपनी फैमिली के लिए जगह जगह से कचरा इकट्ठा किया करते थे। दोस्तों आज देखिएगा कि क्रिस गेल दुनिया के अमीर लोगों में से एक है, कि कैसे क्रिस गेल ने अपना टाइम यूटिलाइज किया, कैसे अपनी टाइम्स की इंपॉर्टेंस को समझा। दोस्तों अगर आज हमने टाइम्स की इंपॉर्टेंस को ना समझा और टाइम को यूटिलाइज करना ना सीखा तो यह जिंदगी, यह समय तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, द पर्सन हु इज वेस्टिंग हिज टाइम ऑन टीवी एंड स्मार्टफोन सो 70% ऑफ हिज टाइम ऑन थिंग्स ही डजंट वांट टू सी। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, एक इंसान जो टीवी और स्मार्टफोन पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जो वे देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देखो, कि बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो को देखो कि वे देखकर तुम्हें मोटिवेट करें, कि मोटिवेशनल वीडियो देखकर तुम मोटिवेट हो। दोस्तों तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली एक मोटिवेशन है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली खुद तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन है। आज बहुत सारे स्टूडेंट एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं, आई बिलोंग ए पुअर फैमिली, आई कॉन्ट डू ए बेटर स्टडी। फादर रिक्शा चला रहे हैं, तू रिक्शा नहीं चला रहा है, तुझे पढ़ा रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ और आगे बढ़, मेहनत कर, स्ट्रगल कर, गोल्स को अचीव कर। दोस्त आज तुम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना पूरा दिन एक्टिव रहते हो। दोस्त व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्त आज इंपॉर्टेंस, आज टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर बैठने से कुछ नहीं होगा, दिन भर ऑनलाइन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। जब तुम ऑनलाइन होते हो कि तुम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम बर्बाद करते हो, उस टाइम तुम अपना टाइम बर्बाद ही नहीं करते बल्कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हो, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आ सकता। दोस्त टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। दोस्तों कुछ भी करने का समय अभी है, आज कुछ कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्त हर रात सोने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने वे सभी काम किए जो मैंने आज करने थे। दोस्त अपने हर दिन के ड्रीम्स को लिख, हर दिन के टारगेट को लिख, हर दिन के गोल को लिख और उन पर मेहनत कर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। दोस्त अपनी सोसाइटी में कुछ अलग कर, थोड़ा थोड़ा काम कर, डेली कर। अगर एक दिन पर सब कुछ छोड़ देगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक इंसान दिन में जिम जाता है लेकिन एक दिन जिम जाता है फिर उसके बाद नहीं जाता तो वह उससे कुछ हासिल नहीं कर सकता, इट विल नॉट बी गुड फॉर अस। बट अगर एक इंसान एक मिनट के लिए जिम करता है लेकिन कंटिन्यू जिम के लिए जाता है सो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दोस्त अगर आज इस समय की कदर ना की तो यह समय आपको कुछ देने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी कुछ देने वाली नहीं है। तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है, अपने डायरेक्शन को सही जगह ले जाओ। दोस्तों ये हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, 6 से 8 घंटे सोने के होते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान कैसे अपने 18 घंटे को यूटिलाइज करता है ये तुम पर डिपेंड है। आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा कि कैसे मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है।